इस वीडियो में आपको दो चीज़ पता लगेगा, आईआईटी बीएचयू का प्लेसमेंट 2023-24 का पता लगेगा जो कल अपडेट हुआ है आईआईटी बीएचयू की तरफ से, और एक पता लगेगा टियर थ्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे ऐसे प्लेसमेंट ले पाओगे। अब तक जितना बातें मैं पहले बताया हूँ तो काम करता ही है, आज कुछ अलग होगा। लास्ट तक वीडियो को देखना है, समझना है, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर करना है। 10,000 प्लस लोग आ चुके हैं ऑलरेडी आपके जैसे, मेरे को हेल्प करना है और ज़्यादा स्टूडेंट्स को। उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? जेन्युइन इंफॉर्मेशन लाइक जॉब अपडेट्स, करियर गाइडेंस, क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, सारा इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप पर मिलेगा, प्लस ऑफर्स, बेस्ट ऑफर्स वो मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी बीएचयू, प्लेसमेंट में जो कंपनीज पार्टिसिपेट करे हैं इस बार वो है आपके सामने ये। जब इन कंपनीज को देखते हो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट आपके लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट जॉब लवर्स हैं, हियर भारत पेट्रोलियम, इसको BPCL हम बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक PSU है, गवर्नमेंट जॉब जैसा है। जब टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं आप, टॉप IITs में, NITs में, तो PSU जाती हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए। ऐसे अगर आपको PSU में जॉब चाहिए तो आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है जैसे बाकी प्राइवेट कंपनीज के होते हैं, और जॉब लगता है डायरेक्ट PSU में। इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं होता है, 100,000, बट 5-10-15 वैकेंसी होता है, और इतने इतने सीट्स भी नहीं होते हैं। IIT की मैकेनिकल का 1,000 बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में, ऐसा नहीं होता है। कि CSE का 10,000 बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड सीट्स होते हैं, 120, 180, 60, 90, 300 भी नहीं होते हैं वो। IIITs में कुछ होते हैं, IITs में तो नहीं होते, ठीक है। कहानी आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? तो हाईएस्ट पैकेज कितना मिला है? 1.68 CR इंटरनेशनल, ये डोमेस्टिक था। डोमेस्टिक 1.68 CR मतलब काफ़ी अच्छा होता है, इस पर थोड़ा और डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। इंटरनेशनल क्या है? 77 लैक्स। अच्छा, ये जो पैकेज है आप इसको डिवाइड मत कर देना 12 से, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें से देखोगे आप 1.68 जो CR है, इनमें से जो बेस पेमेंट है वो बहुत कम होगा, 40 से 50 के आसपास होगा, ऐसा ही होता है। बाकी सारे वेरिएबल होंगे, बोनस होगा, ऐसे होता है। हो सकता है ज्वाइनिंग बोनस दे दे 30 लाख रुपया, तो इन हैंड सैलरी आपका बहुत कम आता है। टैक्स कट जाएगा 30%, 10 लाख से अबव है 30% टैक्स कटेगा। तो मान लो आपका 20 लाख सैलरी है, 10 लाख तक इतना कटिंग नहीं होता है टैक्स का। 10 लाख से जैसे अब कमाओगे, पर ईयर की बात कर रहा हूँ, टैक्स कटिंग होगा। तो इतना अगर पैकेज है इन हैंड, मेरे हिसाब से इसको 3 लाख के आसपास बनेगा, विच इज़ अगेन बहुत बड़ी पैकेज है यार, छोटे मोटे पैकेज नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है जो वन टाइम बोनस है वेरिएबल है, जब आपका पैकेज होता है 20-25 लाख तब ऐसा नहीं होता है कि आप 10 लाख पैकेज है 12 लाख ज्वाइनिंग बोनस, ऐसा नहीं होता है। तब वो क्या होता है, तब ऐसे ही लगभग ज्वाइनिंग बोनस 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया होता है, बाकी सारे पैकेज में आता है। मतलब आपका CTC 2 लाख पर मंथ का लगभग बनता है। कहानी समझ में आ रहा है? बिकॉज उसमें फिर लोग कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। PPO क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर्स होता है, और ये प्लेसमेंट है, टोटल कितना मिला है? 1,044 ऑफर्स मिला है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो अभी IIT का रिसेशन चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। हायरिंग जो है IIT इंडस्ट्री का फॉर फ्रेशर 20 ईयर्स लो चल रहा है, मतलब 20 साल, आज से 20 साल पहले तक जितने भी हायरिंग हुए हैं इससे ज़्यादा हायरिंग हुआ है। रीज़न क्या है भाई? मार्केट का खराब होना पहला सबसे बड़ा रीज़न ही है, और आगे के हायरिंग बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी टीयर थ्री बच्चों में रहेगा। उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, अभी एक लाइन का नहीं है, थोड़ा सा बताऊंगा 2-3 मिनट का, आप उस सोल्यूशन पर काम करना। फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में हो, गेम चेंजर हो सकता आपके लिए, बिकॉज यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आप जो आज हैं और ये बच्चे जहां पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन बहुत सारे बोलते हैं करना नहीं चाहिए,
किसी आप में और दूसरे में, लेकिन मेरे को लगता है कंपैरिजन करने से आप कंपटीशन में आओगे। तो कभी कभी कंपैरिजन अच्छा है। अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो, मतलब एग्जांपल देता हूँ, आप सेम क्लास में हैं, एक बच्चा का आ रहा है 80 नंबर, आपका आ रहा है 60 नंबर, तो कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ी है, तो आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। उसका 80 नंबर आ रहा है तो मेरा भाई दो चार नंबर और ज़्यादा आ सकता है। अगर सही तरीके से कंपैरिजन करोगे, उसके दिखने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज अपने आप कर अपने अंदर लाओगे, थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे, सर परसेंटेज तो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है, आपने आपको जिसने बोला है वो पूरा कहानी बताया नहीं, आधा उधरा कहानी बताया है। परसेंटेज के वजह से मैंने IIT का एग्ज़ाम दे नहीं पाया था। कहानी समझ में आ गया? इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल दे नहीं पाऊँगा। अच्छा, SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस ये क्वांट वाला है, 52%, मतलब अभी भी 50% बंदों को जॉब मिल रहा है IT में, कोर IT बोल सकते हो। यहाँ पर एनालिटिक्स, प्रोडक्ट, बिजनेस, ये बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड है, 31%। कोर में 17% बच्चों को ही जॉब मिला है। तो कंपैरिजन करोगे, IT कितने ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस हैं, तीन लगा लो। CSE IIT तो IITs में इन जनरल बहुत कम जाएगा, ना केवल मेरे हिसाब से, मेरे नहीं होता। CSE एक ही ब्रांच है, इसी दो ब्रांच बाकी। तो अभी भी कोर सेक्टर का जो हायरिंग है IIT वालों से कम है। कोर का अच्छा, ये आप लोग, आपको दिमाग में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन था, कोर में गाड़ियां तो बिक रही हैं फिर कोर वालों का सैलरी कम क्यों होता है? इस पर बात करेंगे कभी और, मैं बोलूँगा आपको, समझाऊँगा कोर वालों का सैलरी पैकेज क्यों है। तो कुल मिला के कंपनीज का प्रोफाइल देखोगे तो भाई लोग आपके दिमाग में, सर इतनी कंपनी आए? नहीं भाई, और भी कंपनीज आए हैं। IITs में 2-4 लाख पैकेज वालों को अलाउ नहीं करते कंपनी वालों को बैठने के लिए, मिनिमम पैकेज सेट करते हैं कि इससे कम वाले को हम अपने कैंपस में आने नहीं देंगे, मतलब अलाउ नहीं है। तो जो भी कंपनीज देख रहे हो, 10 लाख के आसपास का पैकेज एटलीस्ट CTC ऑफर करते हैं, और ये जो प्रोफाइल दिखाया इन्होंने, कम से कम मेरे को लगता है 20 लाख के, 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज देते होंगे। गूगल वाला कम से कम, गूगल जो है माइक्रोसॉफ्ट 30 से 40 लाख का देता है पैकेज, ठीक है। हालांकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो हायरिंग है बहुत अच्छा नहीं है इस बार, इन जनरल जितना होता है, बिकॉज उन्होंने काइंड ऑफ फ्रीज कर रखा हायरिंग, ठीक है। आगे जाइए, आप बोलते हैं सर Tier 3 कॉलेज में अगर हूँ तो मैं क्या करूँ जी? आपने बोला था मैं सोल्यूशन दूंगा 2-3 मिनट का, कहानी बताओ हमें, चाहिए बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ में पूरा आएगा। एक बात आपको शायद पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ आपको एक हैबिट डालना है, सिर्फ एक हैबिट डालना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, अगर ये हैबिट आप कर लेते हो, थर्ड ईयर में हो तो भाई काम तो आएगा, फोर्थ ईयर काम आएगा, बट लेट काम आ रहा है ना, तो इसका इफेक्टिवनेस दिखेगा, बट इतना फ़ायदा मिलेगा जितना फ़ायदा फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को मिलेगा। क्या हैबिट डालना है? आप सोचो आपका बहुत अच्छा रैंक क्यों नहीं आया जो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था। एक आप बड़ा रीजन पाओगे ढूंढ के कि आपको एक चीज नहीं आता है, न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है। और ये न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं आने के कारण क्या है, दो बड़े रीजन पाओगे। एक बड़ा रीजन है लैंग्वेज, सर समझ में नहीं आता है लैंग्वेज, अंग्रेजी का प्रॉब्लम। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सर बेसिक क्लियर नहीं होता है हमारा, हमें पता ही नहीं लगता है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में, किसी भी ईयर में हो, इस प्रॉब्लम से पीछा छुटाना है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम आपको अभी भी आ रहा होगा, परसेंटेज कम आता है बिकॉज आपको लिखना नहीं आ रहा है। इसका सलूशन मैं दे दूंगा आपको अभी। सलूशन क्या है, मेरा एक कोर्स है, एक कोर्स कोई 5 लाख 10 लाख का नहीं है, बट काम का कोर्स है। इसमें 3 चीजें सिखाता हूँ, बोलना, स्पीक, राइट, लिखना और पढ़ना, कैसे पढ़ोगे। ये जो कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट सिखा रहा हूँ एक कोर्स के अंदर, इसको करके टॉप कॉलेजेस के बच्चों को भी हेल्प मिला है। इसमें IITs के बच्चे हैं, IITs के बच्चे हैं, आपके ये Tier 3 कॉलेज के ही बच्चे हैं, जिनको इसी लाइव क्लास जो लिया था, इसमें रिकॉर्डेड कोर्सेस ये सारा है अभी, ठीक, लाइव क्लास लिया था, उसमें बच्चों ने बोला है 10% 20% उनका मार्क्स बढ़ा है बाई इम्प्लीमेंटिंग माई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज आई हैव शेयर्ड इन दिस कोर्स। कोर्स का प्राइस क्या है, 999 नहीं, सिर्फ 499 रुपीज़ है, 100 रुपया ऊपर से और डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है,
इसमें फंडामेंटल और एडवांस लेवल भी है, टेस्टरीज भी बहुत सारे हैं, मतलब क्विजेज बहुत सारे हैं। और इस कोर्स में जो एनरोल करता है उसके लिए फ्री में लाइव प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ हर साल मार्च में, जो अभी होने वाला है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए एंड जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आते हैं, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आप। सर फंडामेंटल कैसे स्ट्रांग होगा अपना? फंडामेंटल स्ट्रांग करने का दो तरीका है, खुद से पढ़ के समझना, जो मोस्ट प्रॉब्ली लैंग्वेज को समझ नहीं पाते वो कोर्स से क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके, कोई एक दिन में नहीं होगा भाई, टाइम लगता है पहला। दूसरा अच्छा टीचर, बढ़िया टीचर मिल जाता है तो वह आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल क्लियर होने के बाद जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके ट्राई करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आपको एक दो महीना लगेगा उस मोशन में आने के लिए, बट बहुत बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन निकलेगा। फिर जिस दिन आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया उस दिन लाइफ का 50% प्रॉब्लम सॉल्व व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज आप फिर क्या करेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। टीयर थ्री कॉलेज में है, टॉप टीयर कॉलेज में है, गेट आपके पास है, उसके जरिए आप IIT में जाओ, PSU में जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, यू कैन गेट ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेज लाइक अदर्स आर गेटिंग राइट नाउ। आपके पास और एक डिग्री भी आ जाएगा, गेट क्वालिफाइड अच्छे जगह से कर, मतलब अच्छे रैंक से करोगे तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। तो आप अगर भी लोअर क्लासेस में हैं, स्टार्ट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और मौज मारो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो बट अगेन, ये सब प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम है, एक दिन में सॉल्व नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट जैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आपको अलग फीलिंग आएगा, यू विल फील डिफरेंट, राइट। तो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सारे जो इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।